एवरीवन, वेलकम बैक टू मदर स्क्वायर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रेच मार्क्स के बारे में। स्ट्रेच मार्क्स जो होते हैं वो पोस्ट योर प्रेगनेंसी 9 out of 10 वुमेन को स्ट्रेच मार्क्स देखे जाते हैं। दैट मीन्स 90% वुमेन को स्ट्रेच मार्क्स होते हैं आफ्टर देयर डिलीवरी। 10% वुमेन को नहीं होते। 10% आई मस्ट से कि 10% लकीस्ट वुमेन को नहीं होते स्ट्रेच मार्क्स, बिकॉज ऑफ कोर्स आफ्टर योर डिलीवरी जब आप अपना बैली देखते हो एंड यू फाउंड कि कोई स्ट्रेच मार्क्स नहीं है, बहुत खुशी होती है वो देख। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्ट्रेच मार्क्स होते क्यों हैं, क्या प्रिवेंशन है, क्या अगर आपको स्ट्रेच मार्क्स हो गए हैं तो क्या उसके सॉल्यूशन है जिसको यूज करके आप स्ट्रेच मार्क्स को कम कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक बटन पर हिट कर देना, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उसको हिट करके सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि जितने भी लेटेस्ट वीडियो है हमारे वो आप सबसे पहले देख पाए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्ट्रेच मार्क्स होने के क्या क्या रीजंस हैं, किस किस वजह से स्ट्रेच मार्क्स होते हैं। प्रेगनेंसी का अकेला रीजन नहीं है स्ट्रेच मार्क्स होने का, देयर आर लॉट ऑफ रीजंस जिसकी वजह से स्ट्रेच मार्क्स होते हैं। पहला जो रीजन है दैट इज जब भी आप रैपिड वेट लॉस करते हैं, बहुत ज्यादा अगर आपने वेट लॉस किया है तो डेफिनेटली स्ट्रेच मार्क्स होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरा, अगर आप मसल बिल्डअप करते हैं, जब भी हम मसल बिल्डअप करते हैं कोई भी करता है तो उस टाइम पर जो बॉडी होती है वो एक्सपेंड होती है, स्ट्रेच होती है, जिसकी वजह से किसी किसी पार्ट पर बॉडी के स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाते हैं। कुछ प्रोन एरियाज होते हैं जैसे यहाँ पर स्ट्रेच मार्क्स पड़ने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, आपकी टमी पर स्ट्रेच मार्क्स पड़ने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। इट मीन्स कुछ प्रोन एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर जनरली स्ट्रेच मार्क्स बहुत इजीली पड़ जाते हैं। तीसरा, अगर कोई भी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हुए हैं तो उस टाइम पर बॉडी में टिश्यूज जो होते हैं वो डेवलप होते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाते हैं। उस टाइम भी बॉडी स्ट्रेच होती है, एक्सपेंड करते हैं टिश्यूज, जिसकी वजह से स्ट्रेच मार्क्स पड़ते हैं। जैसे कि जब फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन होते हैं गर्ल्स में, उस टाइम पर स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाते हैं जनरली। जो चौथा रीजन है ऑफ कोर्स प्रेगनेंसी, बिकॉज आपका जो बेबी होता है वो आपके बम्प में एक बहुत सारा साइज ले लेता है, जिसकी वजह से कंटिन्यूअसली फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे तक आपका जो बम्प होता है वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है, क्यूट सा बम्प आता है। और जब आफ्टर डिलीवरी वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब बेबी डिलीवर हो जाता है उसके बाद में जब स्किन कॉन्ट्रैक्ट करती है तो फिर वो मार्क्स छोड़ देते हैं। ड्यूरिंग आवर प्रेगनेंसी हमें पता नहीं चलता है स्ट्रेच मार्क्स का जनरली, बिकॉज उस टाइम पर एक तो बम बहुत ज्यादा होता है तो आप इतना अच्छे से देख भी नहीं पाते, दूसरा बॉडी एक्सपेंड हो रही होती है तो इतना इजीली हमें विजिबल नहीं होते हैं स्ट्रेच मार्क्स। यहाँ मैं बात करूंगी अपने एक्सपीरियंस की, मेरा जो प्रेगनेंसी के टाइम जो एक्सपीरियंस था और आफ्टर डिलीवरी जो एक्सपीरियंस था स्ट्रेच मार्क्स को लेके, उसकी मैं बात करूंगी। ये जो चीज़ें मैं यूज कर रही हूँ इस वीडियो में, जो मैं आपको दिखाऊंगी, ये चीज़ें नॉट ओनली इन प्रेगनेंसी, नॉर्मली भी अगर किसी को स्ट्रेच मार्क्स प्रोन है, अगर किसी की बॉडी आपको पता है कि मुझे स्ट्रेच मार्क्स हो सकते हैं, आप वेट लॉस कर रहे हैं या फिर कोई और इश्यू है जिसकी वजह से आपको लगता है कि हो सकते हैं, तो आप यूज कर सकते हैं। या फिर अगर आपको हो भी गए हैं तो भी आई विल सजेस्ट समथिंग जिसकी वजह से आप जो स्ट्रेच मार्क्स हो गए वो आप रिमूव कर सकते हैं। दो चीजें होती हैं स्ट्रेच मार्क्स को कम करने की, नंबर वन इज प्रिवेंशन एंड नंबर टू इज क्योर। प्रिवेंशन इज ऑफकोर्स बेटर देन क्योर, ऐसा बोला भी जाता है, बिकॉज आपको किसी चीज का इलाज करना पड़े उससे बेटर है कि कोई चीज आपको हुई ना, तो प्रिवेंशन हमेशा अच्छा होता है। इसीलिए प्रेगनेंसी के टाइम पर मेरा सजेशन है कि एज सून एज यू गॉट टू नो कि यू आर प्रेग्नेंट, जैसे ही आपको पता चलता है आप अपने स्ट्रेच मार्क्स को प्रिवेंट करने के लिए जो भी चीज़ें आप जो भी रिसोर्सेज आप यूज़ करना चाहते हैं, जो भी चीज़ें आप यूज़ करना चाहते हैं वो यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। प्रेगनेंसी के टाइम पर अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट है, बिकॉज इस टाइम पर मदर इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है कि उसके बच्चे को कुछ प्रॉब्लम ना हो, ये चीज़ नुकसान तो नहीं करेगी, तो अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है, इवन मेरे मन में भी जब मैं प्रेगनेंट थी मुझे बहुत ज़्यादा लगता था कि कुछ ऐसा यूज़ ना करूँ टमी पर जिससे कि बेबी को कुछ हार्म हो जाए, स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होकर बेबी तक तो नहीं पहुँचे, तो उसके लिए आई सजेस्ट कि आप अपने गायनेक के पास जाओ, उनसे बोलो कि कोई भी ऐसा बटर और ऑयल आपको सजेस्ट कर दें जो कि स्ट्रेच मार्क्स के प्रिवेंशन के लिए बहुत अच्छा। अदरवाइज आप कोकोनट ऑयल भी, अगर आप घर पर ही कुछ यूज करना चाहते हो आप कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं, वो बेस्ट होता है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने टाइम पर क्या यूज किया था, मेरी गायनेक ने मुझे सजेस्ट किया था और ये एक्चुअली में बहुत अच्छा वर्क करता है। मैंने अपने टाइम पर ये कोकोआ बटर फॉर्मूला यूज किया था, ये बिल्कुल हर्बल है तो इससे आपकी स्किन पर भी कोई नुकसान नहीं होता, ये आप पास से देख भी सकते हैं, ये बहुत इफेक्टिव भी आपके स्ट्रेच मार्क्स को प्रिवेंट करने में। मुझे हार्डली कोई स्ट्रेच मार्क्स हुआ था यूज करने के बाद में, ये मैंने स्टार्टिंग से यूज किया था। इसमें जो सबसे अच्छी चीज है वो है कि इसमें विटामिन ई है, विटामिन ई आपकी स्किन के लिए वैसे भी बहुत
बहुत अच्छा होता है और स्ट्रेच मार्क्स को रिमूव करने के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो प्रिवेंशन में ये मुझे बेस्ट लगा था। अगर आप चाहें तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मेरी गायनेक ने मुझे यही सजेस्ट किया था और एक्चुअली में ये बहुत ही हेल्पफुल है। इसकी एक जो खास बात थी जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती थी वो ये थी कि इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। इसको मैं थ्राइस अ डे यूज़ करती थी और इसके रिजल्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगे थे। इफ यू वांट तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर ये खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर आप घर पर ही कुछ यूज़ करना चाहते हैं तो आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अल्टीमेटली आपको चाहिए ये होता है कि आपकी जो बॉडी है वो मॉइस्चराइज्ड रहे, आपका जो टमी वाला एरिया है वो इतना ज़्यादा मॉइस्चराइज्ड रहे कि जब बॉडी जब स्किन एक्सपेंड हो रही है तो उस पर इतना अफेक्ट ना पड़े, उस पर मार्क्स ना पड़े। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की या क्योर की कि क्या सॉल्यूशन है जिन्हें यूज कर सकते हैं हम स्ट्रेच मार्क्स को रिमूव करने में। अगर आपके स्ट्रेच मार्क्स हो गए हैं तो क्या करना है आपको जिससे कि आपके स्ट्रेच मार्क्स जल्दी से खत्म हो जाए। तो सबसे पहली बात जो मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करना चाहूंगी वो ये है कि घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपको प्रेगनेंसी से स्ट्रेच मार्क्स हुए हैं तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद देम, डोंट वरी, वो टाइम के साथ फेड हो जाते हैं, लाइटर हो जाते हैं। बट स्टिल अगर आप चाहते हैं कि वो बहुत जल्दी से खत्म हो जाए, बहुत जल्दी से लाइटर हो जाए, फेड हो जाए, बिल्कुल चले जाए, तो मैंने जो चीजें यूज की है वो मैं आपको बता देती हूँ। मुझे हार्डली कोई स्ट्रेच मार्क्स हुआ था बिकॉज मैं वो बटर यूज कर रही थी स्टार्टिंग से जो बहुत ही इफेक्टिव था जैसे मैंने आपको बता दिया। लेकिन जो एकादा स्ट्रेच मार्क्स हो गए थे उनको रिमूव करने के लिए मैंने अभी पिछले 2 महीने से नमिया का बॉडी टोनिंग एंड स्कल्पटिंग वंडर ऑयल है, ये एक्चुअली में वंडर ऑयल है बिकॉज 2 महीने से मैं इसे यूज कर रही हूँ। 2 महीने में मुझे बहुत डिफरेंस लगा है अपने थोड़े से ही स्ट्रेच मार्क्स देख दो, लेकिन वो भी बिल्कुल फेड हो गए हैं 2 महीने में। इवन विद इन 1 मंथ ही मुझे डिफरेंस पता चल गया था, बहुत ज्यादा लाइट हो गए थे वो 1 महीने के अंदर ही। अब तो ये बॉटल है बिकॉज मैं लगा लेती हूँ बिकॉज ये नॉर्मली भी आपके मॉइस्चराइजिंग के लिए बहुत अच्छा है। ओवरऑल बॉडी पर आप ये लगा सकते हैं, इवन कहीं पर अगर कोई स्कार है, कोई निशान है, दाग धब्बे हैं आपकी बॉडी पर, तो ये ऑयल बहुत अच्छा है इसके लिए। इसमें एकदम चंदन की फ्रेग्रेंस आती है जो बहुत अच्छी लगती है। तो स्ट्रेच मार्क्स के लिए मुझे ये बहुत अच्छा लगा है पर्सनली। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने सजेस्ट किया था या डॉक्टर ने सजेस्ट किया था, ये मुझे एक बार ऐसे ही मैं अमेजोन पर अपने स्ट्रेच मार्क्स के लिए क्रीम्स ढूंढ रही थी, कोई भी मॉइस्चराइजर ढूंढ रही थी, देन आई फाउंड दिस के इसके रिव्यूज भी बहुत अच्छे थे। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगी, आप जाके देख सकते हैं। लोगों ने वहाँ पर रिव्यूज भी दे रखे हैं कि कितना जल्दी उनकी स्किन बेटर हो गई थी, स्ट्रेच मार्क्स रिमूव हो गए थे। सो आई होप आपको आज की वीडियो से पता लग गया होगा कि स्ट्रेच मार्क्स हमें होते क्यों हैं। प्रेगनेंसी एक सिंगल रीजन नहीं है स्ट्रेच मार्क्स होने का, देयर आर मल्टीपल रीजंस जिसकी वजह से स्ट्रेच मार्क्स हो सकते हैं आपको, और उसकी प्रिवेंशन क्या है। अगर आप लाइफ में किसी भी ऐसी फेज पर हैं जहाँ आपको लगता है कि आपको स्ट्रेच मार्क्स हो सकते हैं तो आपको क्या करना है, और अगर आपको स्ट्रेच मार्क्स हो गए हैं तो आपको क्या करना है, ये चीज़ें आपको पता लग गई होंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा है तो लाइक बटन पर हिट कर देना, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं वीडियो के लास्ट में एक चीज़ आपसे पर्सनली बोलना चाहूंगी, आप मेरे बालों में यहाँ डिफरेंस देख सकते हैं बिकॉज अभी मैंने 2 से 3 हफ्ते पहले एक वीडियो किया था बालों को लेके, एक हेयर मास्क दिखाया था और उसका मैंने बोला था कि विद इन 1 वीक आपको डिफरेंस पता चलेगा। मुझे 4 से 5 हफ्ते हो गए यूज करते करते और मुझे अपनी हेयर ग्रोथ में डिफरेंस पता चला है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ हेल्दी प्रेगनेंसी एंड ऑफकोर्स अ हेल्दी बेबी। बाय बाय।